हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो जौ का हमारा जौ की फसल है, उसका पहला क्वेश्चन है जौ का बोटेनिकल यानी वैज्ञानिक नाम क्या है। ऑप्शन दिया गया है ए ट्रेटिकम एस्टिवम, बी ए जियमेज, सी ए रोजेस्टाइवा और डी ए हरोडियम वल्गेर। तो जो का वैज्ञानिक का नाम है ओडियम बल्गेर यानी डी ऑप्शन है वो सही होगा। ट्रेटिकम एस्टिवम वो गेहूं का वैज्ञानिक का नाम है गेहूं का, और जियमेज है वो है मक्का का, मक्का का वैज्ञानिक का नाम जियमेज है। और राइजस्टाइव है वो है धान यानी राइस यानी पेडी का, और राइजस्टाइव है। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो का, क्योंकि हम जौ की फसल पढ़ रहे हैं तो जौ का वैज्ञानिक नाम है ओडियम वल्गेर, डी ऑप्शन है वो सही होगा। आगे वाला क्वेश्चन है हमारा दो नंबर, फैमिली ओ बार्ली यानी जौ की फैमिली कौन सी है। तो ऑप्शन दिया गया है ए मालवेसी, बी क्रूसीफेरी, सी ग्रेमिनी और डी कुकुरबिटेसी। तो जौ की जो बार्ली की यानी फैमिली आती है वो होती है ग्रेमिनी, जिसे हम क्या कहते हैं पोएसी भी कहते हैं, पोएसी भी कहा जाता है और ग्रेमिनी भी कहा जाता है। तो फैमिली ऑफ बार्ले ग्रेमिनी। आगे वाला क्वेश्चन है तीन नंबर, ओरिजिन प्लेस ऑफ बार्ले, बार्ले है उसका उद्गम स्थल कौन सा है। तो ऑप्शन दिया गया ए अमेरिका, बी मैक्सिको, सी चीन और डी दक्षिणी पश्चिमी एशिया। तो बार्ली है उसका उद्गम स्थल माना जाता है दक्षिणी पश्चिमी एशिया, तो डी ऑप्शन है वो सही होगा। आगे वाला क्वेश्चन है हमारा चार नंबर, जो में गुणसूत्र संख्या यानी क्रोमोसोम नंबर है वो कितनी पाई जाती है। तो ए ऑप्शन है अनबराबर 14, बी अनबराबर 12, सी 2 अनबराबर 14, डी 2 अनबराबर 12। तो गेहूँ है उसमें द्विगुणित क्रोमोसोम संख्या पाई जाती है यानी 2n = 14। तो सी ऑप्शन है वो सही होगा, जो में कितनी गुणसूत्र संख्या पाई जाती है 2n = 14। आगे वाला क्वेश्चन है पाँच नंबर, जो के दाने में प्रोटीन पाई जाती है, जो है उसके दाने में कितनी परसेंट प्रोटीन पाई जाती है। पहली बात प्रोटीन का नाम, जो में जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम है एल्ब्यूमिनोइड, उसका नाम है जो में प्रोटीन पाई जाती है उसका एल्ब्यूमिनोइड। तो जो के दाने में ऑप्शन दिया गया है ए 5%, बी 8%, सी 11% और डी 16%। जो के दाने में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है 11%, सी ऑप्शन है वो सही होगा, 11% की पाई जाती है प्रोटीन की मात्रा, सी ऑप्शन है वो सही होगा। आगे वाला क्वेश्चन है छः नंबर, जो किसके प्रति सहनशील है। ऑप्शन दिए गए अम्लीयता के, बी क्षारीयता के और सी लवणता के, डी बी एंड सी बोथ यानी दोनों। तो जो होती है उसकी फसल लवणता व क्षारीय दोनों के लिए सहनशील फसल है, यानी लवण और क्षारीय दोनों मिट्टी होती है उनमें अच्छी तरह हो जाती है। तो डी ऑप्शन है वो सही होगा, छः नंबर डी ऑप्शन है वो सही होगा। आगे वाला क्वेश्चन है सात नंबर, जौ के उत्पादन में यानी जौ के उत्पादन में भारत में किस राज्य का प्रथम स्थान है। तो ऑप्शन दिया गया ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश। तो भारत में सबसे ज़्यादा जौ का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, तो डी ऑप्शन है वो सही होगा, डी यानी इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और क्षेत्रफल में भी प्रथम स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है और उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। आगे बढ़ा क्वेश्चन है आठ नंबर, जौ के उत्पादन के लिए उपयुक्त जलवायु है, जलवायु कौन सी है उपयुक्त। तो ए ऑप्शन है उष्ण जलवायु, बी शीतोष्ण जलवायु, सी ए एंड बी दोनों और डी कोई नहीं। तो जो यानी बार्ली है वो ठंडी जलवायु यानी
जलवायु तंग में होती है, तो बी ऑप्शन है वो सही होगा, शीतोष्ण जलवायु। आगे वाला क्वेश्चन है, जो कि किस धरती को भारत में अधिक उगाया जाता है। ऑप्शन ए है होर्डियम वल्गियर, बी होर्डियम डिस्टिकन, सी होर्डियम इरेगुलर और डी प्युक्त सभी। तो जो कि जो जाति है होर्डियम वल्गियर, उसको भारत में सबसे अधिक उगाया जाता है, यानी बी ऑप्शन है वो सही होगा। होर्डियम वल्गियर को जो कि जाति है उसको भारत में सबसे अधिक उगाया जाता है। आगे बढ़ा क्वेश्चन है हमारा, जो कि लवणता सहनशील किस्म है, जो कि यानी लवणता सहनशील किस्म कौन सी है। ए ऑप्शन है बी एल टू, बी आर डी 387, सी हिमानी और डी बी एम 4। तो बी एल टू है वो क्या है, जो कि लवणता सहनशील किस्म है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही क्या हो गया, बी एल टू। और आर डी 387 है, इसको राजकिरण भी कहते हैं, और यह निमेटोड रेजिस्टेंट है। निमेटोड रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी है, आर डी 387। और जो हिमानी है वो अस्कलेस है, अस्क मतलब छिलका रहित, छिलका रहित किस्म कौन सी है, हिमानी। और डी दिया गया है बी एम 4, यह म्यूटेंट वैरायटी है, म्यूटेंट यानी उत्परिवर्ती वैरायटी, जो कि लवणता सहनशील किस्म है बी एल टू, और आर डी 387 है वो है निमेटोड रेजिस्टेंट, और सी है हिमानी जो अस्कलेस यानी छिलका नहीं होता, और बी एम 4 है 4 नंबर वो है म्यूटेंट वैरायटी यानी उत्परिवर्तित वैरायटी है, जो IARI दिल्ली द्वारा विकसित की गई है। तो इस 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा है मैं, जो कि लवणता सहनशील किस्म, तो ए ऑप्शन बी एल टू सही होगा। आगे वाला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, जो कि सीड रेट होती है, यानी जो हम बुआई करते हैं उसके लिए बीज की कितनी मात्रा चाहिए। ऑप्शन ए है 45 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बी है 65 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सी है 95 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, डी 110 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो जो के लिए हम लगभग 95 से 100, यानी सी ऑप्शन वो सही होगा, 95 से 100 वो किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज बुआई के लिए बीज लेते हैं। आगे वाला है, जो कि बुआई का उपयुक्त समय होता है। ऑप्शन दिया गया ए जुलाई सितंबर, बी अक्टूबर नवंबर, सी जनवरी फरवरी और डी मार्च अप्रैल। तो जो कि बुआई का उपयुक्त समय होता है अक्टूबर से नवंबर, यानी अक्टूबर मध्य और मध्य नवंबर वो उपयुक्त समय होता है, बी ऑप्शन है वो सही होगा। आगे वाला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, जो कि कतार इंटू कतार व पौधे से पौधे की दूरी होती है। ऑप्शन ए है 15 इंटू 10 सेमी, बी है 10 इंटू 22.5 सेमी, सी है 22.5 इंटू 10 सेमी और डी है 24 इंटू 10 सेमी। तो कतार से कतार की दूरी होती है 22.5 सेमी और पौधे से पौधे की दूरी होती है 10 सेमी, तो सी ऑप्शन है वो सही होगा। आगे वाला क्वेश्चन है हमारा, आगे हम देखते हैं कुछ जो कि फसल में जो खरपतवार होते हैं उनके बारे में, खरपतवारों के बारे में पढ़ेंगे। जो कि फसल में खरपतवार, ये 4 खरपतवार है मेन, जो गेहूँ के समान ही पाए जाते हैं। ए है बथुआ, हिरणखुरी, प्याजी, फेलेरिस माइनर, ये 4 के इसके गेहूँ की फसल में पाए जाने वाले क्या हैं, जो की फसल में पाए जाने वाले खरपतवार हैं। और हम इसके आगे देखेंगे कुछ फसल के जो खरपतवार नियंत्रण उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे हमें। ये देखो, जो की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए फसल की बुआई के 2 दिन पश्चात कौन सा जो वीडिसाइड है वो दिया गया है, पेंडीमेथिलीन नामक खरपतवार नाशी की 3.30 लीटर मात्रा
मात्रा दी गई है 3.30 लीटर मात्रा को 50 से 600 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर समान रूप से टिकाव करना चाहिए। इसके बाद दो नंबर दिया गया है, इसके बाद जब फसल 30 से 40 दिन यानी पेंडा मेथलिन है वो तो बुआई के 2 दिन पश्चात मिट्टी के ऊपर छिड़काव करते हैं घोल बनाकर पेंडा मेथिलिन का। उसके बाद बुआई के 30 से 40 दिन हो जाए उसके बाद 2,4-D/3C खरपतवारनाशी है जो चौड़ी पत्ती खरपतवार होते हैं उनके लिए उपयोग की जाती है। 2,4-D उस खरपतवारनाशी की 1 लीटर मात्रा, 1 लीटर मात्रा को 500 लीटर पानी में घोल कर जो घोल बनता है उसको समान रूप से छिड़काव देना चाहिए। यदि खेत में खुली डंडा जिसे हम फिलेरिस माइनर कहते हैं का अधिक प्रकोप हो तो प्रथम सिंचाई की जाती है आइसोप्रोट्यूरोन 75% यानी आइसोप्रोट्यूरोन वीडिसाइड उसका 75% की 1.25 किलोग्राम मात्रा का 500 लीटर पानी में घोल बनाकर समान रूप से छिड़काव करना चाहिए। तो ये हमारा था वीड से रिलेटेड क्वेश्चन। आगे है 14 नंबर, जो में एनपीके यानी नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक की मात्रा चाहिए, ए ऑप्शन है 20:25:40, बी है 100:70:30, सी है 60:30:20, डी है 60:60:60। तो जो की फसल में एनपीके की मात्रा चाहिए 60, 30 और 20, 60 किलोग्राम तो नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, पोटास 20 किलोग्राम, सी ऑप्शन है वो इसका सही होगा। और ऐसी चीन क्षेत्र होते हैं उसमें सभी उर्वरकों की उर्वरक होती है उनकी पूरी मात्रा बुआई के समय दे देते हैं। आगे है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, जो के रोग यानी कुछ हमें रोग डिजीज है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला है हमारा कवर्ड स्मर्ट डिजीज, इसे आवर्तकंड रोग भी कहा जाते हैं। ये अष्टिलागो कवक, कौन सा बन जाइए अष्टिलागो ओरडाई कवक से होता है जो की क्या मुख्य बीमारी कहलाती है। जो की मुख्य बीमारी कौन सी है, कवर्ड स्मर्ट डिजीज या आवर्तकंड व रोग। और इसके नियंत्रण के लिए बविस्टिन या विटावेक्स 3 ग्राम/kg उपचारित करते हैं बीजों को जिसे ट्रीटमेंट करते हैं। दो नंबर क्वेश्चन है स्ट्राइप डिजीज या जिसे धारीदार रोग भी कहा जाता है और यह हेलिमेंथोस्पोरियम ग्रेमिनियम कवक द्वारा होता है। कवक का नाम क्या है, हेलिमेंथोस्पोरियम ग्रेमिनियम कवक, और यह एक सीडबोर्न रोग भी है। स्ट्राइप डिजीज है ये एक सीडबोर्न यानी सीड के इसमें सीड के अंदर इसके कवक रखा जाता है, इसलिए इसको उपचारित करके ही बोना चाहिए तभी ये रोग कंट्रोल में आ सकता है क्योंकि है एक सीडबोर्न रोग है। इसके नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं, उपचार 3 ग्राम/kg के हिसाब से, 3 ग्राम/kg के हिसाब से केप्टान या जो कवकनाशी है उससे उपचारित करना चाहिए। 3 नंबर है मोलिया डिजीज, मोलिया रोग जो हेटेरोडेरा एवेनी सूत्रकृमि से होता है और इसमें हमें फसल चक्र अपनाएंगे उसी के अंदर, और इसके नियंत्रण के लिए सूत्रकृमि कार्बोफ्यूरान का उपयोग किया जाता है। आगे है 4 नंबर रोग पर्पल ब्लोच, तो इसको कौन फैलाता है, हेलिमोंस्पोरियम स्पीसीज कवक होता है वो फैलाते हैं। तो ये 4 रोग क्या थे, इसके नाम है कॉर्ड स्मर्ट डिजीज जो कवक से होते हैं, स्ट्राइव डिजीज वो भी कवक से होते हैं, मोलिया डिजीज जो सूत्रकृमि से होते हैं जिसका नियंत्रण हमें उस कार्बोफ्यूरिन से कर सकते हैं, और 4 नंबर पर्पल ब्लोच, ठीक है, हेलिमोंस्पोरियम स्पीसीज कवक से होता है। आगे वाली हम आगा हम चर्चा करेंगे फसल की कटाई और गाही में, देखते हैं फसल के पौधे और बालियां कब कटाई की जाती है। फसल के पौधे और बालियां जब सूखकर पीली या भूरी पड़ जाती है जिसमें नमी की मात्रा बहुत कम हो जाती है बाली और पौधों के अंदर जाए तो कटाई शुरू कर देनी चाहिए। अधिक पकने पर बालियां गिरने की यानी अधिक पक जाती है उसके बाद सूख जाती है, नमी की मात्रा बहुत कम हो जाती है तो
थोड़ी सी भी आंधी आने पर गिरने की आशंका बहुत रहती है। और फसल कटाई करने के बाद अच्छी प्रकार सुखाकर थ्रेसर द्वारा थ्रेसर के अंदर से दाने को भूसे से अलग कर लेना चाहिए। अच्छी प्रकार सुखाकर वह साफ करके बोरों में भरकर सुरक्षित स्थान पर भंडारण करना चाहिए। आजकल कंबाइन का उपयोग किया जाता है। कंबाइन होती है वो कटाई गहाई ओसाई सभी कार्य एक साथ कर देती है। यह कंबाइन कम समय में अधिक कार्य को कर सकती है। इसमें कटाई अलग से नहीं करनी पड़ती। इस कंबाइन के द्वारा कटाई की जाती है, इसके द्वारा गहाई की जाती है, इसके द्वारा ही ओसाई की जाती है। आगे वाला क्वेश्चन है हमारा, जो कि उपज कितनी होती है। ए ऑप्शन है 10 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, बी 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, सी 35 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और डी है 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो इसका जो कि उपज होती है इसका सही आंसर होगा 35 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। जो दाने होती हैं वो लगभग 35 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो जाते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। और जो भूसा है, भूसा यानी जो पीछे पुआल या कचरा बचता है वो लगभग कितना हो जाता है, 50 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमें भूसा प्राप्त हो जाता है। और जो कि उससे दाना होता है वो 35 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो जाता है। तो आज की हमारी जो की फसल थी वो पूरी हो गई है। तो हमारी वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।